हाल फिलहाल में रिलीज हुई भूल भुलैया 3 कहने को तो एक कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन फिल्म देखकर हंसी किसी को नहीं आई। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने भी देखा था, यूट्यूब पर कई रिव्यूअर्स ने रिव्यू भी दिए और सभी का यही कहना था कि मूवी देखकर मजा नहीं आया। गाइज, बात सिर्फ भूल भुलैया 3 की नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ, स्त्री 2 को अगर साइड में रख दें तो आपने थिएटर में ऐसी कौन सी आखिरी मूवी देखी थी जिसको देखकर आपको हंसी आई हो, आप पेट पकड़ के हंसे हों या फिर हंसते हंसते आपकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी कोई आखिरी मूवी याद होगी, क्योंकि बॉलीवुड ढंग की कोई कॉमेडी मूवी बना ही नहीं रहा है। तो क्या रीजन है कि बॉलीवुड से कोई ढंग की कॉमेडी मूवी आई नहीं रही है, जबकि यही बॉलीवुड आज से 10-15 साल पहले एक से एक कॉमेडी मूवीज देता था। यही बात जानेंगे दोस्तों हम इस वीडियो में, और हम ये भी जानेंगे कि कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी मूवीज दोबारा बॉलीवुड लेके आने वाला है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा और क्या ये मूवीज हमको हंसा पाएंगी, ये सब बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। बस वीडियो एंड तक देखना, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ नया पता चले, आपको लगे कि हाँ वीडियो में दम थी, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस इस चैनल पर आती रहती हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना लगे तो प्लीज डिसलाइक करना। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बॉलीवुड कॉमेडी मूवी क्यों नहीं बना पा रहा। गाइज, मेरी रिसर्च में इसके कई सारे रीजंस हैं। पहला रीजन है गाइज, कॉमेडी मूवी बनाना आसान नहीं है। कॉमेडी मूवी बनाने के लिए एक बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर चाहिए, राइटर चाहिए, जो पहले से ही ये सोच लें कि ऐसा क्या सीन क्रिएट करें जिससे ऑडियंस को हंसी आए। ऑडियंस के दिमाग में दोस्तों जो एक कॉमेडी छाप छोड़ जाती है वो है सिचुएशन कॉमेडी। मूवी में छोटे मोटे जोक मारकर शायद कोई हंसा दे, लेकिन सिचुएशन क्रिएट करके जब कॉमेडी करी जाती है तो उस कॉमेडी को या फिर उस मूवी को ऑडियंस बहुत दिनों तक याद रखती है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो गोलमाल मूवी, धमाल मूवी, प्रियदर्शन की हेरा फेरी मूवी, हेरा फेरी 2, हंगामा, गरम मसाला जैसी मूवीज में भर भर के सिचुएशनल कॉमेडी करी गई है। बागम बाग का दोस्तों ये वाला सीन भी सिचुएशनल कॉमेडी कहलाता है। और मजे की बात ये कि आज के समय यही मूवीज इंस्टाग्राम पर मीम्स मटेरियल हैं। इन्हीं मूवीज की छोटी छोटी क्लिप्स इंस्टाग्राम पर वायरल रहती हैं, और वो वायरल इसीलिए रहती हैं क्योंकि लोग बाग आज भी इनको देखना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके कॉमेडी करना दोस्तों कोई आसान काम नहीं। इसी वजह से ऐसी कॉमेडी मूवीज हर कोई डायरेक्टर नहीं बना पाता, और ये बात कई सारे एक्टर डायरेक्टर्स ने कैमरे पर एक्सेप्ट करी है कि कॉमेडी मूवी बनाना हर किसी के बस की नहीं। दूसरे रीजन की बात करें तो दोस्तों लोगों को आज के समय हंसाना भी आसान नहीं है। आज के समय की ऑडियंस कई सारे प्लेटफॉर्म से कंटेंट कंज्यूम करती है, और ट्रेंडिंग में रहता है दोस्तों शॉर्ट कंटेंट, जैसे यूट्यूब के शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम की रील्स या फिर स्नैपचैट पर शॉर्ट वीडियोस, और लोग बाग 15-20 सेकंड्स में ही इनको देखकर हंस लेते हैं। और अगर कुछ बड़ा देखना है तो यूट्यूब पर स्टैंड कॉमेडी है, यूट्यूब पर वाइंस वीडियोस भी हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर डार्क कॉमेडी भी देखने को मिल जाती है। अब ऐसी ऑडियंस जो रील्स देख के हंस रही है या फिर यूट्यूब शॉर्ट देख के हंस रही है, उसको आप 2 घंटे की मूवी कैसे दिखाओगे? अगर आप ऐसी ऑडियंस को हंसाने की कोशिश करोगे और आपकी स्क्रिप्ट नेक्स्ट लेवल की नहीं है तो ये ऑडियंस नहीं हंसेगी, उल्टा आपकी ये मूवी को ही बोरिंग बता देंगे। यही सेम केस हुआ था स्त्री 2 मूवी के साथ। दोस्तों, कई लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आई थी, लेकिन कई लोगों को ये मूवी उतनी पसंद नहीं आई थी। पसंद ना आने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जिन लोगों को ये पसंद नहीं आई वो लोग ऑनलाइन एक्टिव ज्यादा रहते हैं, और ज्यादा ऑनलाइन रहने वाले लोग जो 15-20 सेकंड की रील को पूरा नहीं देख पाते, क्योंकि उनको तुरंत हंसना है यार, उनको कुछ ना कुछ कुछ ही देर में नया चाहिए। तो इन मूवीज से ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ ही देर में कुछ नया आ जाए, पेशेंस रखना पड़ेगा, सिचुएशन को समझना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि शॉर्ट कंटेंट देख देख के पेशेंस तो खत्म हो चुका है, तो वो कहां से रखें, तो यार ये मूवीज इनको फिर बोरिंग लगती हैं। तीसरा रीजन है दोस्तों ऑडियंस की गलत डिमांड। गाइस, आज के समय ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आती है वल्गर कॉमेडी। आपने भी ये बात कई बार नोटिस करी होगी, जो क्रिएटर यूट्यूब पर बिना गाली गलौज के कॉमेडी वीडियोस बनाता है वो इतना ट्रेंड में नहीं रहता जितना ट्रेंड में वो क्रिएटर रहता है जो गाली गलौज करके या फिर वल्गर कॉमेडी परोसता है अपनी ऑडियंस के सामने, क्योंकि ऑडियंस भी ऐसी ही कॉमेडी को कंज्यूम करना चाहती है क्योंकि वो इससे ही एंटरटेन होती है। लेकिन थिएटर्स में ऐसी मूवीज दिखाई नहीं जा सकती जिसमें गाली गलौच हुई हो या फिर इस लेवल की वल्गर कॉमेडी हो जैसी यूट्यूब पर मिल जाती है इजीली।
क्योंकि ऐसी मूवीज सेंसर बोर्ड पास नहीं करता। लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि सेंसर बोर्ड ऐसी मूवीज पास नहीं करता, लेकिन यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर ऐसा कॉन्टेंट बहुत ही इजीली अवेलेबल है। हम हमारे पॉइंट पे वापस आते हैं। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि आज के समय ऑडियंस को वल्गर कॉन्टेंट ज्यादा पसंद है और थिएटर्स में ऐसा कॉन्टेंट नहीं दिखा सकते, तो ऑडियंस एक हेल्दी कॉमेडी से या फिर बिना गाली गलौज वाली कॉमेडी से बोर हो जाती है। चौथा रीजन है दोस्तों, एक्टर्स भी कॉमेडी मूवी नहीं करना चाहते, क्योंकि जो रेस्पेक्ट और फेम एक एक्शन करने वाले स्टार को मिलती है वो कॉमेडी करने वाले स्टार को नहीं मिलती। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सलमान खान जैसी रेस्पेक्ट राजपाल यादव को क्यों नहीं है, या फिर जॉनी लीवर को क्यों नहीं है, या फिर असनारी को क्यों नहीं है, या फिर परेश रावल को क्यों नहीं है। और ये मैंने आपको चलो नाम गिना दिए, लेकिन आप बता दो कि कौन सा ऐसा कॉमेडी करने वाला एक्टर है जिसकी रिस्पेक्ट या फिर उसके पास ऐसा फेम हो जो सलमान खान और शाहरुख खान के पास है। बस इसी वजह से दोस्तों कॉमेडी मूवीज की डिमांड घट गई और एक्शन पैक्ड मूवीज की डिमांड बढ़ गई। पांचवा रीजन है दोस्तों कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो कॉमेडी मूवी बनाने का दम रखते हैं, उनकी स्क्रिप्ट में दम होती है, या फिर ये कह लो कि वो नेक्स्ट लेवल का सोच सकते हैं। गाइज एनिमल जैसी मूवीज कोई भी बना सकता है, बस मार काट ही तो दिखानी है बिना फालतू के, मतलब बिना रीजन के मेन एक्टर एग्रेसिव हो जाए, बस थोड़ा सा खून खराबा दिखा दो, थोड़े से वल्गर सीन दिखा दो, बस बन गई एनिमल जैसी मूवी। लेकिन टैलेंट चाहिए दोस्तों थ्री इडियट जैसी मूवी बनाने के लिए, या फिर मुन्ना भाई MBBS जैसी मूवी बनाने के लिए। और अगर हम बात करें प्रियदर्शन की तो हेरा फेरी 2, ढोल, गरम मसाला, ऐसी कई सारी मूवीज है दोस्तों जो प्रियदर्शन ने दी। और अक्षय कुमार ने खुद ने ये एक्सेप्ट किया है कि अगर प्रियदर्शन ना होते तो वो भी इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते। और दोस्तों ऐसे ही बहुत कम डायरेक्टर हैं जो सड़क से उठा के स्टार बनाने की दम रखते हैं, और ऐसे ही डायरेक्टर्स के भरोसे स्टार्स रिस्क लेते हैं कि मूवी ये बना रहे हैं तो अच्छी ही बनाएंगे, क्योंकि अगर मूवी फ्लॉप होती है तो डायरेक्टर से पहले एक्टर की छवि खराब होती है। और पॉइंट की बात ये कि ऐसी मूवीज बनाने में रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वही बात है ना कि कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं कर पाता, तो एक्टर भी हर डायरेक्टर पे भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि जिन्होंने पहले भरोसा किया, जैसे सैफ अली खान ने खुद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने गलती करी हमशक्ल बना के। आपको पता ही होगा दोस्तों कि इस मूवी की कितनी तगड़ी बेइज्जती हुई थी, कोशिश इसमें भी कॉमेडी करने की हुई थी लेकिन कर नहीं पाए थे। तो बात यह है कि बहुत कम ऐसे डायरेक्टर हैं बॉलीवुड में जो रिस्क लेके कुछ नेक्स्ट लेवल करने की दम रखते हैं, और सेम ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं बॉलीवुड में जो रिस्क लेके कुछ नया करने की ट्राई करते हैं। और यार एक्टर्स और डायरेक्टर्स का भी डरना वाजिब है। एक मूवी हमारे लिए एक मूवी है, लेकिन वो मूवी एक्टर्स और डायरेक्टर का फ्यूचर डिसाइड करती है, क्योंकि मूवीज अगर पैसा नहीं कमाएंगी चलेंगी नहीं तो आगे मूवीज बनेंगी नहीं। लेकिन उम्मीद हमको नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि भूत बंगला जिसको डायरेक्ट करेंगे प्रियदर्शन और एक्टर हैं उसमें अक्षय कुमार, मतलब वही पुरानी जोड़ी हमको फिर से देखने को मिलेगी। इसके अलावा जॉली LLB 3 आ रही है, सितारे जमी पर आ रही है, हाउसफुल 5 आ रही है, बस देखना ये है कि ये पुरानी वाली छाप छोड़ पाती है या फिर नहीं। लेकिन उम्मीदें हैं और उम्मीदों पर दुनिया कायम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और अपना फीडबैक या फिर कुछ भी एक कमेंट कर देना कि आपको और किस पे वीडियो चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो बुरी लगी हो तो प्लीज यार डिसलाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।